गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ. टुडे वी रीड फर्स्ट लेसन ऑफ योर ग्रामर. लेसन नेम इज नाउन. नाउन क्या होता है बच्चों? संज्ञा, हिंदी में जिसको आप संज्ञा बोलते हैं. डेफिनेशन ऑफ नाउन: ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया और इमोशन. मीन्स बच्चों, नाउन क्या है? किसी भी पर्सन मतलब व्यक्ति का नाम, प्लेस होती है जगह, एनिमल होता है कोई भी जानवर हो, पशु हो, थिंग कोई भी वस्तु, आइडिया कोई विचार, और इमोशन कोई भी आपके मन में भाव आते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? नाउन. इन शॉर्ट, शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं? इट इज ए नेमिंग वर्ड. मतलब किसी भी नाम वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं. किसी भी नाम को क्या बोलेंगे? नाउन. काइंड ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, इट मीन संज्ञा के प्रकार हैं कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन. कॉमन नाउन, कॉमन नाउन्स आर द जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. ये ध्यान रखना, सेम काइंड मतलब एक ही प्रकार के व्यक्ति, जगह और वस्तुएं, उनको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. सामान्य, जैसे आपने बोला बॉय, ठीक है, लड़का, तो हमने किसी लड़के का नाम नहीं लिया, पर्टिकुलर नाम नहीं है लड़का, ये एक क्लास को इंडिकेट करेगा, तो ये क्या है बच्चों? कॉमन नाउन. दे डू नॉट रिफर टू पर्टिकुलर पीपल, प्लेस और थिंग्स. ये किसी भी पर्टिकुलर पीपल के बारे में, प्लेस के बारे में और थिंग्स के बारे में नहीं बताएंगे, विशेष के बारे में नहीं बताते. दे यूजली बिगिन विद दे स्मॉल लेटर. ये सामान्यतः स्मॉल लेटर से ही शुरू होंगे. जैसे स्कूल, स्कूल क्या है? कॉमन नाउन. कैसे? मतलब स्कूल क्या होता है? अपना विद्यालय होता है. तो मान लो हम इंडिकेट कर रहे हैं कि डीएम स्कूल, तो आप यहाँ पे किसी स्कूल का नाम बता रहे हो, जिसको सुनते ही ऐसे हम जान जाते हैं कि डीएम स्कूल की बात हो रही है. तो ये तो हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा, विशेष स्कूल के बारे में. लेकिन सिंपली स्कूल बोला है तो वो किस में जाएगा बच्चों? कॉमन नाउन. ट्रेन, किसी भी, कोई भी ट्रेन हो सकती है. गार्डनर, कोई भी माली. टॉय, खिलौना. बॉक्स, कोई भी बक्सा, पिक्चर, तस्वीर. ये जो मतलब हमें ये नहीं बता सकते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं बच्चों? कॉमन नाउन. सेकंड है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन्स आर द सेम ऑफ पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स. दे ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर. ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होंगे. तो ये बच्चों ध्यान रखना ये बात. प्रॉपर नाउन आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल, मतलब किसी भी पर्टिकुलर, विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के बारे में बताएंगे, वो क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन. मतलब जिनको सुन के हमें लगेगा कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. जैसे रहीम किसी लड़के का नाम है, तो आप रहीम सुनते ही पता लगा लेते हैं कि किस बच्चे के बारे में बात हो रही है. माउंट आबू, ये विशेष जगह का नाम है, तो आपके दिमाग में आ जाता है कि माउंट आबू कोई विशेष जगह है. थर्सडे, जैसे आपने बोला डे, ठीक है, तो डे से हमें पता नहीं लगता कि हम संडे की बात कर रहे हैं, सैटरडे की या मंडे की, किसकी बात कर रहे हैं. तो डे हमारा क्या है? कॉमन नाउन. और हमने एक पर्टिकुलर डे ले लिया कि हम थर्सडे के बारे में बोल रहे हैं, तो ये क्या आपका? प्रॉपर नाउन. पेप्सी, आपने जैसे बोला कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक में कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, ये सारी आती हैं. तो ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक. लेकिन हमने जब एक का नाम ले दिया कि हम पेप्सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन. ठीक है, तो ये डेफिनेशंस और ये एग्जांपल बच्चों आपको नोटबुक में लिखने हैं और इनको फिर से समझना है, रीड करना है. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.